वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास फर्स्ट ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर माय बॉडी। इसके पहले मैंने ऑलरेडी ईवीएस के और भी चैप्टर्स जैसे अबाउट माय सेल्फ, माय फैमिली, आर फेस्टिवल, फूड वी ईट पर मैंने वीडियो शेयर की है। लिंक ठीक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उन सभी वर्कशीट्स को फॉलो करके आप बच्चों को बहुत ही सिंपल वे से घर पर स्टडी करवा सकते हैं। अगर आज की भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, तभी ही आपको फ्यूचर में मेरी वीडियोस मिल पाएंगी। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप बच्चों को सबसे पहले कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन करें, जैसे आर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स, हमारे बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क लाइक अ मशीन, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे हेड, आईज, ईयर, नेक, ये सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। जैसे हम आंखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, हाथ से हम काम कर सकते हैं, पैर से हम चल सकते हैं, तो सभी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है और वो एक मशीन की तरह हमारे लिए काम करते हैं। आप बच्चों को बॉडी पार्ट्स भी जरूर एक्सप्लेन करें, जैसे हेड, हेड इज कवर्ड विथ हेयर, इट हैज टू पार्ट्स, द स्कल एंड द फेस। हेड हेयर से कवर्ड होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, द स्कल एंड द फेस। फेस ऑल्सो हैज मेनी पार्ट्स, जैसे अ फॉरहेड, टू आईज, टू ईयर्स, अ नोज, अ माउथ एंड अ चिन। अब माउथ के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे लिप्स, टीथ एंड टंग। तो ये रहे हमारे हेड, फेस और माउथ से रिलेटेड डिटेल्स। देन नेक्स्ट इज नेक एंड ट्रंक। जो नेक होता है वो हमारे हेड और हमारे ट्रंक को जॉइंट करके रखा रहता है, और नेक हमारी हेल्प करता है हमारे हेड को राइट, लेफ्ट, अप, डाउन मूव करने में, यानी हिलाने डुलाने में। ट्रंक के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ट्रंक के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे शोल्डर, चेस्ट एंड स्टमक। नेक्स्ट इज आर्म्स, हमारी कितने आर्म्स होते हैं, टू आर्म्स, और जो हमारे आर्म्स होते हैं हम कहां पर उसे बैंड कर सकते हैं, एट दी एल्बो। माई हैंड्स हेल्प मी टू ईट, राइट, होल्ड एंड लिफ्ट थिंग्स। जैसे खाना खाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, किसी सामान को होल्ड करने के लिए और लिफ्ट करने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। लेग्स, वी हैव टू लेग्स, हमारे कितने लेग्स होते हैं, टू लेग्स, और जो हमारे लेग्स होते हैं हम कहां पर बेंड कर सकते हैं, एट द नी, हम नी से अपने लेग को बेंड कर सकते हैं। सो ये रहे हमारे चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। अब हम देख लेते हैं इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्कशीट। आवर फर्स्ट वर्कशीट इज राइट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्स। यहाँ पर बच्चों को करेक्ट नंबर्स बॉक्स में फिल करने हैं फिंगर से रिलेटेड, जैसे लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर क्या होती है, हमारी सबसे छोटी उंगली होती है लिटिल फिंगर, सो नंबर 5। इंडेक्स फिंगर, थंब के बाद वाली जो फिंगर होती है वो होती है इंडेक्स फिंगर, यानी नंबर 2। रिंग फिंगर, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, नंबर 4, ये हो गई हमारी रिंग फिंगर। थंब कौन सी होती है, ये फर्स्ट वाली, यानी नंबर 1। मिडल फिंगर, सभी उंगलियों के मिडल फिंगर, यानी कि नंबर 3। सो इस तरह से ये हो गई हमारी थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। नेक्स्ट वन इज राइट यस और नो। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसे बच्चों को रीड करना है और यस और नो में आंसर करना है। जैसे आर हेड इज कवर्ड विद हेयर, सो यस। वी वेयर शूज ऑन आर हैंड, हम शूज अपने हाथ में पहनते हैं, नो। वी कैन बैंड आर आर्म्स एट दी एल्बो, हम अपने आर्म को एल्बो पर बैंड कर सकते हैं, यस। इच फुट हैज 4 टोज, नो। Each foot has 5 toes. We can kick a ball with our hands, no. We can kick a ball with our legs. Next one is jumble words. इसमें बच्चों को letters rearrange करके meaningful words में convert करना है, जैसे H-E-A-D, head. H-A-I-R, hair. E-Y-E-S, eyes.
E-A-R-S, ears. N-O-S-E, nose. And the last one is C-H-I-N, chin. Like this. नेक्स्ट वन इज मैच दी फॉलोइंग्स. यहाँ पर बच्चों को पिक्चर्स आइडेंटिफाई करके उसे वर्ड्स के साथ मैच करना है, जैसे फुट, नोज, हैंड, नी, इस तरह से. नेक्स्ट वर्कशीट इज फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों को इस तरह से टू टू ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन बच्चों को सिलेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है. जैसे द स्कल एंड द फेस टुगेदर फॉर्म द हेड और नेक. सो करेक्ट आंसर इज हेड. आर नेक जॉइंस द हेड टू द लेग्स और ट्रंक. सो करेक्ट आंसर इज ट्रंक. द रिस्ट इज अ पार्ट ऑफ द लेग और हैंड. करेक्ट आंसर इज हैंड. R dash help us to turn our head, neck or face, neck. We use the dash to eat our food, hands, legs. Correct answer is hands. Next worksheet is answer in one word. इसमें बच्चों को question read करना है और one word में answer करना है. जैसे name the body part having the skull and the face. Body parts जिसमें skull और face होते हैं वो कौन से body part है? Head. Which part of our body help us to write? Hand. Which part of our body help us to walk? Legs. Which body part help us to move our head up, down and sideways? So correct answer is neck. Like this. So ये रही हमारी worksheet. I hope इससे आप सभी को काफी help मिली होगी. आप सभी को ये worksheet कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं. Helpful लगी हो तो please like करना बिल्कुल ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं next video में. Till then, bye.